तो ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना, कोई भी इसको सीरियस न को लियो, और भक्तों के लिए प्रेम से समझा रहा हूँ, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। उसको क्या है कि ऐसा हल्का सा चाटा मार देना, बस ठीक है, वो आ रहा है। हाँ, मैं इस पेड़ के पीछे हूँ। हाँ, चलो। चूतिया तो तू है। आदाब हैदराबाद, और क्या बोल रहा शहर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सरकार के पपी के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं मालूम कौन है सरकार का पपी तो देखो। I'm simply saying who? नावेद जी ये बताइए। कुत्तों का एक झुंड आदमखोर हो गया। तो ये है सरकार का पपी। अब ये नको पूछो ये कौन सी सरकार का पपी है। लौड़ा का सरकार। तो चलो फिर ये सरकार के पपी को उसकी औकात बताएंगे और वीडियो शुरू करेंगे बिना किसी लड़पने के। तुम लगा ये गोदी मीडिया को तो पहचानते छूंगे। न हिंदू न मुसलमान, हमें बेमान। हाँ, ये पूरे गोदी मीडिया का हेड है ये पपी। आप लोगों को याद होगा CAA और NRC के खिलाफ जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था तो उनके खिलाफ कैसा भौंक रहा था ये पपी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो। हे राजा हरिश्चंद्र की औलाद, एक झूठ नहीं बोल सकता भाई के लिए। तू भाई के लिए बोल सकता हूँ, दिल खोल के बोल सकता हूँ खुशी से। This entire Shaheen Bagh thing is about cash, it's about politics, and it's about defaming India globally. Shaheen Bagh, which is a useful epicenter of an anti-Hindu, anti-India, money-guzzling, opportunistic and entirely political movement. झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो सरकार आज इतनी बड़ी महामारी के खिलाफ स्टेट लेवल पे मामूली टेस्टिंग नहीं करा सक रही, वो सरकार कल नेशनल लेवल पे कौन पुश्तैनिक हिंदुस्तानी है जिनके माँ बाप दादा नाना 1971 से पहले से यहाँ रह रहे और कौन 1971 के बाद दूसरे देशों से हिंदुस्तान में आके बस गए, ये मालूम करने के लिए कहते 133 करोड़ हिंदुस्तानियों का बैकग्राउंड चेक करते कहते, वो भी 60 साल पुराने कागजों की बुनियाद पे। कुछ भी प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इनको हम 60 साल पुराने कागजा दिखाना कहते, जबकि इनके खुद के 2016 के रफेल डील के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कायम पूछा सुप्रीम कोर्ट, तो को इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री से चुरा लिया कहते। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए कहते, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री से। तो भाई हमारे भी 60 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, दादा की लुंगी में लपट के रखे थे, क्योंकि तुम्हारे जैसी प्रोफेशनल चिंदी चोरा चुरा लिए जी। अच्छा तू ये सब जाने दे रे पपी, तू ये बोल तेरा बाप और तेरा चिच्चा कहाँ है, नहीं दिख रहे बहुत दिनों से। थोड़े दिन पहले लोगों का पता पूछ रहे थे ना, क्या हुआ पता पूछते पूछते लापता हो गए क्या। कल जो लोग हमें हमारे ही वतन से निकालने की बात करते थे, आज वही लोग हमसे हमारे ही घर में रहने की अपील कर रहे हैं। परिवार के जन घर से बाहर न निकले। थोड़े दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में बच्चे चुराने वाले है समझ के गलत फहमी की बुनियाद पे 2 साधुओं को 150 के करीब लोग मिलके बेरहमी से मार दिए थे। हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए है, जो बहुत ही निंदनीय बात है। ये हादसा जिसमें कोई कम्युनल एंगलिस्ट नहीं था, उसमें भी ये पपी कैसा हिंदू मुसलमान डाल के दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था। देखो, अगर कोई मौलवी हो या पौधरी हो को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते। क्या हिंदुओं को इस देश का सबसे कमजोर कौम मान लिया जा रहा है कि नहीं। लोगों ने यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है।
हर चीज में हिंदू मुसलमान करता है ये पपी। चल ठीक है, मान लिए ये तेरा काम है, मानना तो नहीं चाहिए, मगर जिसके लिए तेरे को मोटी मलाई मिलती। मगर मैं कोई एक बात बोल रहा पपी, हर बात में पप्पू को और पप्पू की अम्मा को बीच में लाना जरूरी है क्या? दिल्ली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती, आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल नानी ओमाए वा मो सिंदेइरु। A few moments later. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो बोले नहीं मार रहे, तुम्हारे को मार रहे, मार रहे। वीडियो की शुरुआत में मैं इसको गोदी मीडिया का हेड इसलिए बोला था क्योंकि इन्हें अपने करियर में अननोन सोर्सेस से अनवेरीफाइड न्यूज चला था, जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पे एक न्यूज चलाया था, देख लो पुरानी है फिर भी देखो मजे की है। Right now, for the first time, the final proof that Dawood Ibrahim is in Karachi, confirmed not just by Times Now, but confirmed by Mr. Dawood Ibrahim. If you're watching this, your wife has confirmed to us that you are in Karachi. Now you can come and speak to us yourself. Here is the phone conversation, the biggest news break of the year. Hello, Assalamu Alaikum. हेलो वालेकुम अस्सलाम, क्या मैं मेजबीन शेख से बात कर रहा हूँ? जी मैडम, आप कराची से बोल रहे हैं? जी जी आप कौन? जी मैडम, मुझे बस पूछना था, आप मिस्टर दाऊद इब्राहिम की बीवी हैं? जी वो सोए। जी वो सोए। और चूंकि ये फेक न्यूज पाकिस्तान से रिलेटेड थी, और क्या ले लिए पाकिस्तानी अभी इसकी। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते जी, आप पीपी गोस्वामी बोल रही है? जी बिल्कुल, मैं उनकी बेगम बात कर रही हूँ। अनाप की? जी अनाप साहब की बेगम बात कर रही हूँ। अनाप किधर है? अनाप तो पागलखाने में है। अनाप पागलखाने में क्यों है? जी आपने उनको देखा नहीं टीवी पर, कैसी हरकतें कर रहे थे, उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था। कब से? पागलखाने पर कर दिया है। कब से? वो भी अजी दो दिन हुए हैं अभी। ओके थैंक यू, ब्रेकिंग न्यूज आ गई, आपको पता चल गया अनाप गोस्वामी पागल हो गए, उनकी बीवी ने कंफर्म कर। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कहीं को बोले तो ये वीडियो बनाने में मेरे को लगातार 48 घंटे दुनिया भर के गालियाँ और दो कान भरियाँ बोनस में लगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू घंटी बन के आएंगी उसकी भी दबा देना। वीडियो कैसी लगी और ये रोज़ का नेक्स्ट पार्ट आना नहीं, कमेंट करके मेरे को बताओ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पब्लिक टीवी। हेलो। यस जी, मेरा नाम शानू है, मैं खतर से बात कर रहा है। अगर मैं किस ये रिपोर्ट टीवी या किसी रिपोर्टेड पर्सन से बात कर सकता है, कोई मीडिया इंचार्ज कोई भी हो जी? रिपोर्ट टीवी का कोई? आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम शानू है, मैं खतर से बात कर रहा है। हाँ आप कौन है वहाँ का? क्या काम था सब बोलिए ना। एक बात बोलने का था, क्योंकि आप लोगों को आज का डिस्कशन में अर्णब गोस्वामी के डिस्कशन में उसने लिखा था चाइना गेट आउट, वो हम मानता है सही है, उन लोगों को लात मारना पड़ेगा। उसी टाइम में उसको वही टीवी में पावर्ड बाय विवो, ये विवो कौन सा कंपनी आप लोगों को पता है कहाँ का कंपनी है? चाइना का ही कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेके उसी बुलेट में बोल रहे हैं चाइना गेट आउट, ये बोलने को शर्म नहीं आता है आप लोगों को? ओके सर वी चेक इन फॉर। ओके उससे अर्णव गोस्वामी को ही बोल दो ये बात, उसका स्पॉन्सरशिप लेके उन लोगों को ही बोलने का है। पहले उससे बोलो स्पॉन्सरशिप कट करने के, बोलो चाइनीज कंपनी का, उसके बाद में बोलो चाइना गेट आउट, दैट विल बी फाइन। ओके थैंक यू वेरी मच। Oh, no!